दोस्तों इंट्राडे पर आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं सेलिंग की और उस स्टॉक में लग जाता है अपर सर्किट। अब अपर सर्किट लग गया इसका मतलब ये है उसमें केवल बायर्स ही बचे हैं और आप अपनी पोजीशन को दिन खत्म होते होते स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते, 3:30 बज जाते हैं, मार्केट बंद हो जाता है और आपकी पोजीशन रह जाती है ओपन। तो अब आपके साथ क्या होगा, कितना लॉस होगा, कितनी पेनल्टी होगी और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि क्या इस सिनेरियो में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना और एक बार कॉपी पेंसिल ले लेना जो मैं बताऊँ, एक बार उसको नोट करते रहना, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उनके साथ ये हुआ होगा तभी वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप उसको नोट करते रहना ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो आज हमारा मंडे है, आप क्या करते हैं मंडे के दिन रिलायंस को शॉर्ट करते हैं 800 के भाव पे, ठीक है, क्वांटिटी ली आपने 100, ठीक है, 800 के भाव पे रिलायंस को किया आपने शॉर्ट, क्वांटिटी 100, और उसी दिन लग गया उसमें अपर सर्किट, मार्केट बंद हो गया, पोजीशन रह गई ओपन। तो अगर 100 को आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 800 से, तो ये बैठेगा हमारा 80,000 का, आपका पूरा जो इसमें माल यूज हुआ है, मतलब मार्जिन यूज हुआ है, 80,000 का माल यहाँ पर आपने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को देखना। उसके बाद आता है ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, ये 3 दिन हमको मिलते हैं। अब मैं पूरा आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा जो आपका ब्रोकर होगा, उसका जो आपका जो मार्जिन मनी होगा, मतलब इसमें इस ट्रेड में हमारा मार्जिन कितना यूज हुआ था 80,000, उसका 120%, 80,000 का 120% आप लगाइए, लगभग बैठेगा यहाँ पर 1,00,000 के आसपास, वो यहाँ पर आपको माइनस में शो होने लग जाएगा, ठीक है ना, आपका जो डेमेट अकाउंट बैलेंस है उसमें ये माइनस के 1,00,000 रुपए आपको दिखने लग जाएंगे। तो वो आप ये समझिए, जब आप देखोगे तो वो आपका ओवरऑल लॉस नहीं है दोस्तों, वो केवल अगर आप ब्रोकर अपनी सेफ्टी के लिए उस मार्जिन को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे आप अपना अकाउंट खोल के देखेंगे, अरे यह क्या हुआ, 1,00,000 रुपए का मेरे को माइनस दिखा रहा है, वो आपका ओवरऑल लॉस नहीं है। तो उस चीज से आपको पहले घबराना नहीं है, वो केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए ब्रोकर ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो माइनस के 1,00,000 दिखाया, कितना भी दिखाया, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेरी है पहली बात। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर शुरू होता है एनएससी का, ब्रोकर का आपस में जो पूरा ये जो रोल है वो एनएससी का मेन होता है इसमें, और फिर ब्रोकर भी इसमें कुछ पार्ट करता है। अब क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा दोस्तों, अगर उस आपसे एनएससी बोलेगा भाई हमको क्या है, आप अपने शेयर दो फिजिकल डिलीवरी के लिए, जो आपने शॉर्ट किए थे 100 शेयर वो हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको मिलेंगे 2 दिन, T+2, मतलब हमने मंडे को शॉर्ट किए थे तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का आपके पास टाइम होगा, वेडनेसडे तक आपको उनको 100 शेयर देने होंगे। अब आप कहाँ से दे सकते हैं जब आपके पास है ही नहीं, तो आप एक तरीके से दे सकते हैं, वो भी बहुत लक के हिसाब पे आपको हो पाएगा ये भी चीज़ें। कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर पड़े हैं होल्डिंग पे रिलायंस के, तब ठीक है, तब आप उनको दे सकते हैं, ठीक है, बट अगर नहीं है तो और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास हो, मैं कह रहा हूँ 100 में से एक ही बंदे के पास ऐसे होल्डिंग में वही शेयर पड़ा होगा जो उसने स्टॉक किया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको नहीं दे पाएंगे। तो मतलब 2 दिन आपके निकल जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे पास नहीं है, आप अपना प्रोसेस चालू रखें। फिर आएगा 30वां दिन, T+3, मतलब ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे को यहाँ पर 2 बजे से लेकर 2:45 तक आपकी ऑक्शन प्रोसेस चलती है, मतलब हर ट्रेडिंग दिन पे 2 बजे से लेकर 2:45 तक ऑक्शन प्रोसेस चलती है, जिसमें ऐसी शेयरों की नीलामी होती है। तो आपका अब आपका शेयर की स्टार्ट हो गई है ऑक्शन प्रोसेस, तो अब आपके शेयर जा चुके हैं ऑक्शन में, अब यहाँ पर उनकी किस प्राइस पे वो पोजिशन स्क्वायर ऑफ होगी अब वो डिपेंड करता है। तो अब मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे बताएं कि कितने प्राइस पर वो स्टॉक्स हमारा जो हमारा प्राइस है वो स्क्वायर ऑफ, जो हमारा पोजिशन है वो स्क्वायर ऑफ होगा। तो मैं आपको बता दूं ये कोई फिक्स नहीं है, बट इन्होंने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं। कैसे दोस्तों, T+2 डेज, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को, हमारा वेडनेसडे को बैठ रहा है इसका T+2, तो मतलब जो T+2 डे पे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है ना, उसका 20% ऊपर और 20% नीचे, ये एक फिक्स रेंज होती है। मैं आपको फिर बता दूं, जिस दिन आपने स्टॉक को शॉर्ट किया है उससे लेके T+2 डेज का क्लोजिंग प्राइस से लेके 20% का ऊपर और 20% का नीचे, ये एक पूरी रेंज होती है, और इसके रेंज के अंदर ही आपकी यहाँ पर क्या होगी, ऑक्शन होगी। तो आप इस बात से अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं हमको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर रिलायंस की क्लोजिंग हुई है 900 रुपये, तो 900 का 20% ऊपर और 900 का 20% नीचे, ये पूरी रेंज है, और इसी में ऑक्शन प्रोसेस होगी और वहीं पर आपका जो माल है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितना यहाँ पर लॉस आपको होगा।
और तो आप मुझसे ये पूछेंगे सर और भी कोई पेनल्टी है या नहीं है, तो दोस्तों एक पेनल्टी और है यहाँ पर, जो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस था 800, फिर मंडे ट्यूसडे को कुछ और चेंज हुआ होगा, वेडनेसडे को कुछ और प्राइस में चेंज आए होंगे, तो उसका 0.05% उसका प्राइस का एवरेज, वो भी आपको एक बार पेनल्टी लगेगी, तो वो ना के बराबर यहाँ पर पेनल्टी है, तो उसको आप ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बता दूँ 0.05% ऑफ स्टॉक प्राइस, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बैठेंगे, तो ये आपको एक और पेनल्टी, इसके अलावा कोई पेनल्टी आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, अब आप ये सोचेंगे कि मान लो क्या होता है कि भाई मुझे इस सिनारियो में प्रॉफिट हो सकता है, होने को हो सकता है बट होगा नहीं। कहने का मतलब ये, मान लो क्या होता है 800 पे आपने शॉर्ट किया, उसमें लग गया पर सर्किट, नेक्स्ट डे क्या होता है स्टॉक गिर जाता है और टी प्लस टू डेज पे उसका भाव आ जाता है 700, मतलब 100 पॉइंट्स जहाँ पे आपने शॉर्ट किया था उससे आपको मिल रहे हैं 100 पॉइंट ट्यूसडे की क्लोजिंग के हिसाब से, बट इन्होंने क्या बोला जो क्लोजिंग प्राइस है उसका 20%, मतलब 700 से ऊपर 20% और 700 से नीचे, तो वहाँ पे ऑक्शन होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% यहाँ पर जो आपका ऑक्शन में प्राइस आएगा वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा, तो प्रॉफिट होने के चांस भी नेग्लिजिबल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत के धनी हैं तो शायद आपको प्रॉफिट हो जाए, बाकी नहीं होगा। तो दोस्तों एक सिनारी और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्शन में भी आपके कोई शेयर नहीं खरीदता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि ऑक्शन में भी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो, तब क्या होगा, समझ रहे हैं ना, तो तब क्या होगा जो क्लोजिंग होगी सीधा, जैसे ट्यूसडे की क्लोजिंग हुई 900, मान लीजिए ट्यूसडे की क्लोजिंग हुई 900 का 20% आप लगाइए, वो हो जाएगा आपका फाइनल 20% सीधा, 20% की जो वैल्यू बैठेगी वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली आपने 80,000 दे रखे तो कार्ड पीट के ब्रोकर आपको जो बचे कुछ पैसे हैं वो आपको दे देगा। तो ये ओवरऑल पूरा सिनारियो चलता है, इसमें ज़्यादा नुकसान होता है बस दोस्तों, पर आप जो आपके शुरू में माइनस के 1,00,000 वगैरह दिखा रहे हैं उतना नहीं है। यही सारी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों ऐसे स्टॉक से दूर ही रहें जो इस टाइप की परफॉर्मेंस देते हो, ठीक है, चलो बाय दोस्तों।